In this video, we will learn about image formation by using convex lens. So let's start. Our first case is when the position of the object, यानी कि object कहाँ रखा हुआ सबसे पहले, at infinity. इस केस में देखिए, पहले हम लेंस बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, इसमें f1, f2, 2f1 और 2f2 मेंशन कर देते हैं. देखिए, आप इन्फिनिटी से जो इस पर रे आएगी, मान लेते हैं वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जा रही है तो ये डेविएट नहीं होगी, सीधी सीधी चलती जाएगी. दूसरी रे इसी रे के पैरेलल होगी, क्योंकि इंसिडेंट रे जो इन्फिनिटी से पड़ती है लेंस पर, वो पैरेलल पड़ती है. रे हमारी कन्वर्ज हो जाएगी फोकस की तरफ, जहाँ ये दोनों रेज आपकी मीट कर रही हैं, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस तक, और यही परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, इमेज. तो इसको हम नाम दे देंगे a'b'. चलिए, अब जो इमेज हमें मिली है इसके बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आफ्टर ड्राइंग इट, वो क्या है. देखिए, सबसे पहले पोजिशन ऑफ द इमेज, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि जो इमेज है हमारी वो कहाँ मिल रही है, एट फोकस f2 पर. सेकंड देखिए, साइज ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज हमारी बड़ी है छोटी है, इसका साइज क्या है. तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इमेज बहुत छोटी है, तो इसको हम लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड. और लास्ट चीज वो है हमारा नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि देखिए यहाँ पर असली में रेज आपकी मीट कर रही है, इसका मतलब इमेज रियल होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही है, इसलिए ये इन्वर्टेड होगी. तो रियल एंड इन्वर्टेड जो है हमारी इमेज का नेचर है. आई होप आपको ये इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा. सेकंड समझते हैं. देखिए, इस केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को अब हमने क्या किया, पोजीशन बदल दी और उसको उठाकर रख दिया बियॉन्ड 2f1. इस केस में इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, देखिए, सबसे पहले लेंस लिया f1, f2, 2f1, 2f2 हमने मेंशन कर दिए. अब देखिए, हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड 2f1. इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं a b. अब a पॉइंट से हम पैरेलल रे डालते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये. तो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि जो पैरेलल रेज होती है वो फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन. अब देखिए, ए पॉइंट से दूसरी रे हम निकालते हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं. ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे विदाउट डेविएशन सीधा मूव करती जाती है. तो ये दो रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और ये हमें मिल गई हमारी इमेज, जिसको हम नाम दे देंगे a'b'. अब ये जो इमेज मिली, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. तो देखिए, सबसे पहले पोजीशन ऑफ द इमेज, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इमेज यहाँ पर किसके बीच में मिली है, f2 और 2f2 के बीच में. तो यानी कि इमेज कहाँ हो गई, बिटवीन f2 एंड 2f2. अब देखिए, साइज ऑफ द इमेज की बात करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा होगा, इमेज छोटी दिख रही होगी, इसका मतलब जो साइज ऑफ द इमेज है वो क्या हो गया, डिमिनिश्ड. लास्ट जो हम फाइंड आउट करते हैं वो है नेचर ऑफ द इमेज. तो यहाँ पर रेज जो है वो असली में आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट कर रही हैं, और जो इमेज है हमारी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड हमारा नेचर होगा इमेज का. आई होप आपको ये भी केस समझ में आ गया होगा. चलिए, अब थर्ड केस समझते हैं. इस केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा हुआ है, एट 2f1. चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन क्या होगा. तो हमने लेंस ले लिया, सारी चीजें मेंशन कर दी, अब ऑब्जेक्ट हमने उठाकर 2f1 पर रख दिया. तो ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हमने a b. अब a से हम रे बनाएंगे, एक पैरेलल रे बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये रे आपकी क्या है, f2 से पास हो जाएगी, रूल नंबर 1 जो हमें बोलता है. और दूसरी हम रे बनाते हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, ये आपका है रूल 2. तो देखिए, ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के. अब देखिए, ये जो मिला हमें परपेंडिकुलर, दिस इज योर इमेज. तो हमें इमेज मिल गई, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज. तो आपको साफ साफ दिख रहा है इमेज कहाँ पर है, 2f
अपर, तो हम वही लिख देते हैं एट टू एफ टू। सेकेंड क्या निकालते हैं हम लोग, साइज ऑफ द इमेज। तो आपको दिख रहा होगा साइज इमेज का ऑब्जेक्ट का सेम है, तो इसका मतलब हमारा साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया, सेम एज द ऑब्जेक्ट। लास्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं नेचर ऑफ द इमेज, तो वो क्या है, देखिए यहाँ पर रेज असली में मीट कर रही हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमें इमेज मिल रही है, इसका मतलब हमारी इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया हो, बाकी केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू।